जाति का मामला यो था, चार पांच साल पहले की बात है, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री आए थे और हम उनसे सवाल पूछे थे। अपने सवाल थे ये आप लोगों के सामने है, गाय को चारा नहीं दिया जा रहा था, बेरोजगारी के ऊपर नौकरी पे भाईचारे पे किसानों की कर्ज माफ, ये उस टाइम के इशू थे। ये सारे आज भी नहीं हुए, फिर इनने लगाया आरोप है। ये देखो ये खबर उस टाइम की हो जाएंगे, मेरा थी सौ के कार्यक्रम में साजिश सांड गिरा मरा हुआ फलाना ढकड़ा जो भी पुलिसकारी है। आज तारीख फिर आज पुलिस की तो आई थी, तो कोर्ट की जो हुई है वो तो कोर्ट के पास ही है, जो भी जाना था ही तो उसको लेके आज तारीख थी। अमित शाह जी आए थे और भाई जो भी आरोप लगा रखे हैं पुलिस ने, तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो कोर्ट जो फैसला करेगा वो मान्य है अपने लिए, शर्माते जो भी कोर्ट करेगा। लेकिन जो ये मामला चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, एक दर्जन केस ला रहा है खट्टर साहब, एक दर्जन केले नहीं आ रहे, एक दर्जन का आ रहा बड़ा, एक दर्जन केस ला रखे हैं। और जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव रोकया है इस पापी ने, इस कंस ने, इस दहानंद ने, उसके अलावा एक और जानकारी दे देता हूं मैं आपको, ये सारा का सारा मामला कंस कुटीर से चला। कंस कुटीर मतलब मुख्यमंत्री जी का जो घर है। और अब एक और इन्होंने जारी करा है अपने नेताओं को, पार्टियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, आप किसी के भी बाल नहीं कटाने हैं, बाल कटाने पर भी पाबंदी लगा दी है। और मैं मानता हूं जो भी बीजेपी कांग्रेस का किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नेता, कार्यकर्ता छोटे बेचारे कार्यकर्ता के क्या करेंगे, नेता जो अनुगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ की बात यह है, बीजेपी का कोई भी नेता जब बाल कटा लेगा और मुंडन करा अगर चोटी रख लेगा तो मान लेंगे हम वो भगवान परशुराम जन्मोत्सव जो रोक क्या है उसके खिलाफ है, और 21,000 रुपया देंगे इनाम, क्योंकि इन्होंने नीचे नीचे सारे का जारी कर दिया। आके गंजा भी नहीं होना है किसान इस गर्मी में। अरे एक और जानकारी मेरे को एक पत्रकार साथी ने बताई है, अभी आके सुनारिया जेल में कुछ हमारे जो कैदी हैं वहां पर उनने इसके विरोध में वहां पर अनशन कर दिया है, तो वो भी मैं उन कैदियों को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई कोई अनशन करने की जरूरत है नहीं, और जेलर बढ़िया बताया तो जेलर तो निकलूंगा भाई, उन कैदियों ने परेशान करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है। तो ये स्थिति ये हो गई सरकार की, अब जेल में बैठे हुए लोग भी इस चीज से इतने आहत हैं। आपको ये जानकारी पत्रकार साथी ने बताई, आपने सूत्रा का काट लो मेरे हिसाब किताब लगा दें, तो हम तो ये कह रहे हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर ये मुहिम चलेगी, मुंडन होंगे इस सरकार के खिलाफ, ये मुंडन होंगे, अरे धनानंद का पति नाश करेंगे, हम तो अमित शाह जी तक है जो तो धनानंद बैठा रखा है ना, जरा नाश करूंगा उल्टा को ना पकते नहीं सोचता हूँ। 21 तारीख ने 21 मई पूरे भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाएगा धूम धड़ाके से, मना रोक क्या जाकर रोक लियो, करना हमारी बात जमीन बता दो जब पाकिस्तान में दे रखी हो तो उड़ा मना लेंगे, जाकर पड़ा और मना तो पाकिस्तान में दे रखी होगी तो बता देगा। नेता जी जिस तरह से आपने लाइव आके श्राप दिया था, क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बाल बाल बचे हैं, क्या उसका असर हो रहा है? क्या बाल बचे एक्सीडेंट होते हुए बाल बाल बचे, ये जिनके एक्सीडेंट होने लग रहे हैं ना अपने मुंडन के बाद, अरे ये बाल बाल बचे रहे मारे तो बाल भी ना बचे भाई है, हमारी दात मर रही है, लेकिन भोलेनाथ की वजह था भगवान परशुराम के आशीर्वाद था बच्चे ही, या भी मैं बता दूं पाप यो ध्यान कर लो इस बात का, भगवान गणेश में माफ नहीं करा रहा है, मैं तो ये बात कहूँ पापियों को समझाओ, अब जो तुमने पाप कर दिया उसका प्रायश्चित करने के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगो। और मुख्यमंत्री साहब ये क्या मतलब है कि आप अपने लोगों को मतलब नेताओं को भी नुकह रहे हो, जब उनको पता चला कार्यकर्ता भी नाराज है बीजेपी के, क्योंकि लड़ाई मारी बीजेपी के लिए थोड़ी धनानंद, ये धनानंद के लिए है बीजेपी के, तो रोन लाग रहे हैं नेता ना मेरा होता कार्यकर्ता जो इनके है नाश कर दिया, धनानंद ने मारा भी नाश कर दिया। लेकिन बीजेपी का एक नेता जो कि गोहाना साइड से है दावा कर रहे हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जिसने इस समय जो है 4 सांसद दिए हुए, और आपको वो कांग्रेस के द्वारा खेला कांग्रेस के साथ बैटिंग कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं? यार मैंने पहले अभी कहा कि सूत्रों की बातों का क्या हिसाब किताब है, उस सूत्रों को जाके बताओ, और कांग्रेस के टाइम पर जितना मन ने प्रोटेस्ट कर रखे हैं किसी बीजेपी के नेता ने कर रखे तो पूछो, जितने केस मेरे पर लाग रहे हैं ज्यादा पूछो, ये कांग्रेस बता मैंने की लेना देना कांग्रेस का है,
और रही बात चार सांसद बना रखे हैं, चार के चार ऐसे सांसद है जिनकी चौकीदार भी सरकार का नहीं मानता कोई, वो चौकीदार ना मानता किसी काम तो करवाते नहीं, कह गए हमारी चलती नहीं, तो उनका क्या लेना देना उस बात का यार, ये तो विभीषण है, विभीषणों से क्या लेना देना, कोई विभीषण बोल रहा है, विभीषण की बात का कोई वैल्यू थोड़ी है। क्या आपके शराब का असर होगा 2024 में? मेरा क्या शराब है, ये तो मेरी के लड़ाई थोड़ी है, सीधी भगवान परशुराम का लड़ाई कर ली ने, और वो हिसाब करेगा भाई, वो नहीं छोटे हारता, मैं बताऊं इन तो पूछ लियो, वो ये मुख्यमंत्री साहब के पास जो मीटिंग करी है ना कल, मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया सब तय, आप कोई भी बीजेपी का इनकी बार हूं भी गर्मी में गंजा नहीं हूं, आप कोई भी बताओ बाल भी नहीं कटा सकते, मैं तो सब तक कहूं भाई, जो भगवान परशुराम तय है जब बाल कुर्बान ना रस्ता गर्दन के ऊपर कटवा लेगा, जो बाला ना कटवा सकता तो पूरे हरियाणा में मुंडन होंगे और इस सरकार इस धनानंद के खिलाफ होंगे और धनानंद का नाश कराएंगे। आपने 21,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया, किसके लिए वो दोबारा बताएंगे? ये है बीजेपी के नेताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं उनके लिए है, आप अपने भगवान परशुराम मांग रहे हैं, तुम्हारे बाड़ा ही कुर्बानी, अभी तो गर्दन ना मांग रहे, गर्दन ना मैं कटवा लूंगा, बाल तो कटवाओ और समर्थन करो, 21,000 रुपये हम देंगे, फालतू मारा जो तो नहीं, 21 तारीख का प्रोग्राम है, नहीं तो सारे गए तो आप देखना आप ये मुंडन हो। आज की सुनवाई में भी आपका फैसला नहीं होगा, अधिकारी कोई बात नहीं मैडम, ये तो आप लोग जहाँ फैसला तो कोर्ट ने जो फैसला करना होगा करना होगा, हम तो उल्टे हटते नहीं, हम तो लड़ेंगे, जेल चले जाए सजा हो जाएगी, जो होना होगा हो जाए।